दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, कृपया करके इस वीडियो को अपने दिल पे मत लीजिएगा। यस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जस्ट अभी एक घंटे पहले या दो घंटे पहले यहाँ पे राधेश्याम का कैरेक्टर टीजर लॉन्च हुआ, यानी कि प्रभास का पूरा कैरेक्टर रिवील किया है, उसका नाम, उसकी स्टाइल, सब कुछ उसमें रिवील किया है। तो आज हम वही करने वाले, उस टीजर को करने वाले है ब्रेक डाउन और देने वाले है अपना रिएक्शन कुछ। तो लेट्स गो। आई नो यू, आवाज काफी अच्छा दिया है इसमें आवाज। आई वोंट टेल यू। आई कैन फील योर हार्ट ब्रेक। आई कैन फील योर हार्ट ब्रेक, ओके, बट आई वोंट टेल यू। पर तुम्हें बताऊंगा नहीं। आई कैन सी योर फेलियर्स, बट आई वोंट टेल यू। बट आई वोंट टेल यू। I can sense your death. I can sense your death. But no. Okay. I won't tell you. वो भी नहीं बताएंगे। I know everything. Yet मुझे सब कुछ पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। Because it's beyond your understanding. क्योंकि तुम्हारे समझ के बाहर है। सीधा बोल दिया भाई। My name is Vikramaditya. Vikramaditya. I'm no god. But I'm not one of you either. I'm not god. But I'm not one of you either. Background score great number ever. जबरदस्त टीजर है बे। सो ये तो हो गया पूरा का पूरा ट्रेलर देख के। तो अभी हम आते हैं पूरा का पूरा ब्रेकडाउन के ऊपर। तो ब्रेकडाउन में यहाँ पे मेरे को जितना समझ में आया यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या कुछ नहीं होना है। टीजर। तो ब्रेक डाउन करते थोड़ा सा, जितना हमें समझ में आता है उतना ब्रेक डाउन कर देते यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे पूरा कैमरा एंगल सेटअप और पूरा स्ट्रक्चर देख के और उसका लुक्स एंड पूरा बाकी की डिटेलिंग्स देख के दो तीन बातें मुझे क्लिक हुई। एक तो पहला मेरे को जो समझ में आता है, ये टाइम ट्रैवल स्टोरी हो सकती है या फिर ये हो सकती है पुनर्जन्म की स्टोरी। मतलब इन दोनों में से ही कोई तो एक हो सकता है या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, टाइम ट्रैवल प्लस पुनर्जन्म का। क्योंकि इसका जो ये स्ट्रक्चर देख के और वो सब देख के वो वाली फीलिंग आती है, पुनर्जन्म वाली फीलिंग आती है या फिर टाइम ट्रैवल वाली फीलिंग आती है। उसके डायलॉग्स मुझे सब कुछ पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, मुझे ये पता है लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, वो सब सुनने के बाद यही लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो इसमें सस्पेंस छुपा हुआ है कि इसको सब कुछ पता कैसे है। तो ये सवाल सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। और सेकेंड थिंग ये देखा, अगर आपने ट्रेलर को गौर से देखा होगा तो वहाँ पर टेबल के ऊपर कुछ ऋषि मुनियों के जो, मतलब पुराने जमाने में जो मंत्र लिखे होते हैं या फिर पुराने जमाने में जो कथा लिखी होती, तो ऐसे उस टाइम में इस टाइप के पेजेस रहते छोटे से, उसके ऊपर लिखा जाता था। तो ये भी यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, यानी कि ये यहाँ पे पुनर्जन्म या फिर भगवान के इर्द गिर्द भी घूमेगी। और इसमें आपने देखा होगा कि इस यहाँ पे लिखा है VA+P, तो इसका मतलब होगा VA+, यानी कि विक्रमादित्य एंड पूजा हेगड़े का जो कैरेक्टर है वो प्रेरणा, ये उसका नाम है VR और P। देखो ये जो सीन था वो उसमें देखा गया था, वो जो मूर्ति थी उसके ऊपर कुछ ब्लड के डॉट्स गिरते हैं, वही से मूर्ति यहाँ पे टेबल पे भी दिखाई गई है उस बुक के ऊपर, और वही से मूर्ति वहां पे भी थी। यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन होगा जहाँ पे, यानी कि विक्रमादित्य को उसके लवर को है वो मारना पड़ सकता है, या फिर कुछ ऐसा सीनरियो होगा कि कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा कि जिसमें पूजा हेगड़े मरती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हैंड का जो पूरा सीक्वेंस लिया है, क्लोजअप हैंड लिया हुआ है, तो आपको सभी को पता होगा कि ये क्लोजअप हैंड कुछ ऐसे ही सीन में लिया जाता है जहाँ पे या तो किसी विलन ने या फिर किसी अपने ने किसी अपने का खून किया हो या फिर किसी अपने ने किसी अपने को मारा हुआ हो और वो हर्ट हो चुका हो, वहाँ पे पूरी तरीके से टूट चुका हो, तो वो सब सीन यहाँ पे उसी सिनेरियो में ये शॉट यूज करते हैं। और यहाँ पे काफी ओल्ड सा लुक दिया हुआ है पूरा का पूरा सेट को, यानी कि दो जनरेशन इसमें दिखाई जाएंगी, यानी कि पास्ट एंड फ्यूचर दोनों जनरेशन इसमें दिखाई जाएगी। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने अगर गौर से देखा होगा तो यहाँ पे कैलेंडर में जो कि कैलेंडर में डेट चेंज करने की टेक्निक है वो टेक्निक भी पुरानी है, एंड वो जो क्लॉक था, जो वो बड़ा सा क्लॉक लास्ट में जो दिखाया गया था ये वाला क्लॉक, तो वो क्लॉक भी है वो पुराने जमाने के रेलवे स्टेशन का क्लॉक था। लेकिन जो प्रभास वाली जो एंट्री थी, जो विंडो से जो नज़ारा था, जो विजुअल उसके विंडो से जो विजुअल दिख रहा था वो फ्यूचरिस्टिक विजुअल था, यानी कि उस साल से करीब करीब 15-20 साल आगे का विजुअल था। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये स्टोरी जो वो टाइम ट्रैवल और कुछ पुनर्जन्म बेस्ड स्टोरी होगी है।
जो विक्रमादित्य का कैरेक्टर है उसको प्यार हुआ था एक लड़की से जिसका नाम था प्रेरणा, तो उन दोनों के बीच में ये कहानी के पूरी की पूरी कहानी ये होगी, क्योंकि विक्रमादित्य जो है वो शायद से एक साइंटिस्ट भी हो सकता है। यहाँ पे मूवी में आपको दिखाया जाएगा कि वो एक साइंटिस्ट है और वो सब प्रिडिक्ट कर सकता है, या फिर वो एक लड़की से प्यार करता था और उसके प्यार करने के चक्कर में उसको कुछ तो हुआ, और कुछ होने के बाद उसने उतना रिसर्च किया, वो सब किया, पूरे के पूरे ग्रंथ पढ़ डाले, पूरे के पूरे ऋषि मुनि वो सब, वो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल था ऋषि मुनि से लेके आज तक की टेक्नोलॉजी तक पूरा का पूरा एक में मिक्स किया, और उसने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी या फिर कुछ ऐसा इन्वेंट कर लिया जिससे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ठीक से ध्यान से उस टेबल के ऊपर रखी हुई सभी चीज़ के ऊपर गौर किया होगा तो उसमें यहाँ पे दिखाया गया था। तो देखिए मैगजीन का जो कवर पेज है वहाँ पे लिखा हुआ है द मैन हु प्रिडिक्ट इंडियन इमरजेंसी, जो नेशनल इमरजेंसी को भी प्रिडिक्ट कर सकता है, तो वो इंसान मामूली इंसान तो हो नहीं सकता। सो लास्ट में उसने एक डायलॉग भी बोला था कि मैं भगवान तो नहीं हूँ लेकिन मैं तुम में से एक भी नहीं हूँ। तो देखते हैं, लेकिन कुछ भी प्रिडिक्ट करना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर रिवील टीजर के ऊपर, तो ये सब कुछ थोड़ा सा गलत हो जाएगा प्रिडिक्शन के बारे में। तो लेट्स सी ट्रेलर कैसा आता है और क्या आता है, तो उसके तो उसी टाइम एग्जैक्ट स्टोरी क्या होने वाली क्या नहीं होने वाली तो वहाँ पे हमको पता चलेगा, और उसके छोटे छोटे डिटेल्स से हम ब्रेक डाउन कर ही लेंगे। आई नोज एवरीथिंग अबाउट द मूवी बट आई डोंट टेल यू। तो बस आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय टाटा सी यू टेक केयर अडियोस।